अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वीक नंबर 2। और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। लास्ट टाइम हमने कहाँ तक एंड किया था हमारा लेक्चर? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एथिक्स तक। आज वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जब हम सॉफ्टवेयर कर रहे हैं डेवलप, उसको इंजीनियर कर रहे हैं एक सॉफ्टवेयर को, तो उसके लिए कौन से एथिक्स हैं, कौन से रूल्स हैं, जो एथिक्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स द वाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी देन सिंपली द एप्लीकेशन एंड टेक्निकल स्किल्स। आपके पास अगर एप्लीकेशन स्किल्स भी हैं और टेक्निकल स्किल्स भी हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंसीडर होती हैं जब भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। सिर्फ आपके टेक्निकल स्किल्स होने नहीं ज़रूरी, आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो एथिकली भी अच्छा सॉफ्टवेयर होना चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मस्ट बिहेव इन एन ऑनेस्ट एंड एथिकली रिस्पॉन्सिबल वे इफ दे आर टू बी रिस्पेक्टेड एज अ प्रोफेशनल। अब इस तरह नहीं है कि आपको अगर टेक्निकली आपके पास स्किल है, आप कहते हैं हमारी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी है मैडम, हम तो सब कुछ डेवलप कर सकते हैं, हमें ये भी आता है, हमें वो भी आता है, दिस इज़ नॉट एनफ। आपके पास टेक्निकल स्किल्स हैं तो आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी डेवलपमेंट की टीम के साथ, अपनी डिवेलपमेंट के साथ आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, आप कितने अच्छे तरीके से यूज़र से इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप कितना यूज़र को इंटरटेन करते हैं, आप कितनी उसे फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जब भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। Ethical behavior is more than simply upholding the law, but involves following a set of principles that are morally correct. सिर्फ ये नहीं है कि आपने कोई भी मॉडल उठा लिया और उस पर काम कर लिया, उस मॉडल के जो डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं उन सबको एथिकली फॉलो करना है। ऐसे नहीं करना कि उसमें से दो चार रूल उठा लिए और बाकी सारे जो रूल्स हैं, अच्छा यार ये तो टेम्परेरी फुलफिल हो रही है ना, बस ठीक है ऐसे ही करके मैडम को असाइनमेंट सबमिट करा देते हैं। नो, ऐसे कभी भी नहीं होता बेटे। जब आप अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलप तब ही बनते हैं जब आप कोई भी मॉडल यूज़ करें तो उसके प्रॉपर डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें आप। ओके, इशूज़ क्या आ जाते हैं जब आप प्रोफेशनली रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई काम कर रहे होते हैं? तो एक इशू कॉन्फिडेंशियलिटी का आ जाता है, दूसरा किसका आ जाता है? कॉम्पिटेंस का आ जाता है, आपने बाकी लोगों से किस तरह कम्पीट करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू आप किस तरह हैंडल कर सकते हैं? इंजीनियर शुड नॉर्मली रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ देयर एम्प्लॉयर्स और क्लाइंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट अ फॉर्मली कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड और नॉट। सबसे अच्छा एथिकल सॉफ्टवेयर डेवलपर वो है जो के कस्टमर की प्राइवेसी का सबसे ज़्यादा ख्याल रख रहा है, ना वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्राइवेसी के साथ इलॉयल है, ना वो कस्टमर के साथ जो है वो कोई ऐसा मिसअप कर रहा है, वो दोनों की प्राइवेसी कंसर्न्स को हैंडल कर रहा है, आपके डेवलपर एंड पे भी, आपके ऑर्गेनाइजेशन साइड से भी और आपकी क्लाइंट साइड से भी, वो इन दोनों की तरफ से कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि प्राइवेसी को सिक्योर कर रहा है। आइदर कि उसने कोई एग्रीमेंट साइन किया था या नहीं साइन किया था, कोई कॉन्फिडेंशियलिटी का अगर एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ उसके बावजूद भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपकी प्राइवेसी को और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्राइवेसी को मेंटेन कर रहा है, तो दैट इज़ अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नेक्स्ट इज कम्पिटेंस। इंजीनियर शुड नॉट बी मिस रिप्रेजेंट देयर लेवल ऑफ कम्पिटिशन, दे शुड नॉट नोइंगली एक्सेप्ट द वर्क विच इज़ आउट विद देयर कम्पिटेंस। जो भी डिवेलप करें सॉफ्टवेयर उनको हमेशा अपने कम्पिटिटर्स का पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह और कौन कौन से हमारे पास टूल अवेलेबल हैं जो काम करें, और जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उनसे अच्छा किस तरह हमने सॉफ्टवेयर यूज़र को देना है, और कभी भी उनको डीग्रेड नहीं करना उनके प्रोडक्ट को, जिस तरह आप टीवी में कमर्शियल ऐड में देख रहे होते हैं और एक ऐड जो है वो दूसरे ऐड को डीग्रेड करा है, इस तरह कभी भी नहीं होता। आपका सॉफ्टवेयर जो एथिकली प्रोफेशनली डिवेलप करें आप कभी भी उसमें इस तरह की चीज़ जो है वो फॉलो नहीं करे होते, आप हमेशा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के थ्रू और प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट जो है वो चीज़ें कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड कंप्यूटर मिसयूज। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मस्ट होना चाहिए सॉफ्टवेयर का, आप कभी भी इलीगल यूज़ ना करें। फॉर एग्जांपल आप माइक्रोसॉफ्ट वालों का प्रोडक्ट यूज़ करें, आप उसे थोड़ा सा चेंज करके कहें कि हमने ये प्रोडक्ट नया बनाया, नो दिस इज़ रॉन्ग, उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और वो उन्हीं का प्रोडक्ट है। आप किसी की असाइनमेंट ले लेते हैं, मुझे उसमें नाम रोल नंबर चेंज करके दे देते हैं और कहते हैं मैडम ये हमारी असाइनमेंट है, नो दिस इज़ रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, यू विल गेट जीरो मार्क्स, वो किसी और की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसको आपने अपनी रिप्रेजेंट किया, ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। एंड कंप्यूटर मिसयूज़, फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर सिस्टम पड़ा हुआ था,
आपका एम्प्लॉयर जो है वो 5 या 10 मिनट के लिए उठ के गया है, उसको कंपनी के CEO ने बुलाया, वो किसी काम से गया है और पीछे से किसी हैकर या अटैकर ने उसका कंप्यूटर मिस यूज़ किया है, आपने किसी के अकाउंट से किसी को गलत मेल भेज दी है, दिस इज़ नॉट गुड टूरिज्म। ये इश्यूज़ हैं, ये आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैटर करता है। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई एक लैपटॉप अपना ओपन छोड़ गया है सिस्टम पे और वो किसी अर्जेंट काम से बाहर चला गया है, तो आप उसके एम्प्लॉयर हैं, तो आप किसी और को उसका लैपटॉप मिसयूज़ नहीं करने दें। ओके, ACM और IEEE ने कुछ कोड ऑफ एथिक्स डिफाइन किया। अब ये ACM और जो IEEE है ये स्टैंडर्ड बॉडी हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को रिकॉग्नाइज किया हुआ है और जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ कोड ऑफ एथिक्स रिकॉग्नाइज किए, डिफाइन किए हैं कोई कोड ऑफ एथिक्स जो आपने मस्ट जो है वो फॉलो करने। द प्रोफेशनल सोसाइटीज इन द US हैव कोऑपरेटेड टू प्रोड्यूस अ कोड ऑफ एथिकल प्रैक्टिसेस। प्रोफेशनल दो सोसाइटीज़ हैं कौन सी, ACM और IEEE। आप नोट करेंगे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ है या जो आपकी यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये सब TEC से, IEEE से, ACM से और हमारा CSIT, ये सब जो है वो इनसे रिकग्नाइज है। दी प्रोफेशनल सोसाइटीज़ इन द US हैव कोऑपरेटेड टू प्रोड्यूस अ कोड ऑफ एथिकल प्रैक्टिस। इन्होंने क्या किए हैं, कुछ कोड ऑफ एथिकल प्रैक्टिसेस डेवलप किए हैं। मेंबर्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन साइन अप टू द कोड ऑफ प्रैक्टिसेस व्हेन दे जॉइन। जब भी जितने मेंबर्स IEEE के होते हैं वो ज्वाइन करते हैं तो वो उस कोड ऑफ एथिक्स को मस्ट फॉलो करते हैं। वो जो सॉफ्टवेयर डेवलप करें वो किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगा तो हम उसे अपनी प्रॉपर्टी की रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी और ये जितने भी सारे फीचर्स हैं इन सारे फीचर्स को मेंटेन करें होंगे। द कोड कंटेन्स 8 प्रिंसिपल। टोटल कितने प्रिंसिपल हैं आपके पास एथिक्स के, 8 प्रिंसिपल हैं रिलेटेड टू द बिहेवियर ऑफ द डिसीजन मेड बाय द प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंक्लूडिंग द प्रैक्टिशनर्स, एजुकेशन मैनेजर, सुपरवाइजर एंड पॉलिसी। जितने भी लोग सारे आपके सॉफ्टवेयर से लिंक है, आइदर डायरेक्टली और आइदर इनडायरेक्टली, उन सब के लिए कोई 8 प्रिंसिपल्स डिफाइन किए गए हैं। वो जो 8 प्रिंसिपल हैं कोड ऑफ एथिक्स के, उन सारी स्लाइड्स में एक्सप्लेन किए गए हुए हैं। ये जो 8 प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, कंप्यूटर हैव अ सेंट्रल एंड अ ग्रोइंग रोल इन द कॉमन इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, मेडिसिन, एजुकेशन और ये सारी ऑर्गेनाइजेशन, वो गवर्नमेंट की है, कोई मेडिसिन इंडस्ट्री है, एजुकेशन इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, हर जो इंडस्ट्री है वो जो है वो सेंट्रल रोल जो है उसमें कौन प्ले कर रहा है, हमारा कंप्यूटर। बिकॉज ऑफ देयर रोल्स इन द डेवलपिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैव अ सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी टू डू द गुड और कॉज द हार्म। तो ये क्या कह रहा है कि आजकल हर चीज़ जो है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कंप्यूटर डिपेंडेंट है। आप छोटी सी छोटी चीज़ भी देखें उसमें कंप्यूटर ही यूज़ हो रहा है, क्योंकि कंप्यूटर इतना यूज़ हो रहा है तो जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, अब उसमें से आइदर गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी हो सकते हैं और बैड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी हो सकते हैं। जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को यूज़ करते हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को कोई गुड भी प्रोवाइड कर सकते हैं और उसको कोई हार्म भी प्रोवाइड कर सकता है। गुड कैसे प्रोवाइड कर दें, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसा अच्छा सिस्टम डिवेलप कर दें जो आप यूज़ कर सकें, और वो आपके सिस्टम को हार्म कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, किसी का सिस्टम ओपन बड़ा है वो उसको इलीगल यूज़ कर रहा है, वहाँ से वो गलत ईमेल जनरेट कर रहा है, वो आपके सिस्टम को हार्म कर रहा है, आपका सिस्टम पूरा जो है वो हॉल्ट हो रहा है, ये सारी हमारे पास क्या है कंडीशंस बताई हुई। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ये प्रीमेबल दिया हुआ है IEEE और IEEE SS का। बेटे आप काइंडली स्लाइड को एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा, इसमें 8 प्रिंसिपल्स डिफाइन है, ये वो 8 प्रिंसिपल्स हैं जो हम स्टडी करते हैं। ये जो कोड ऑफ एथिक्स डिफाइन है, जब भी आप सॉफ्टवेयर डिवेलप कर रहे होते हैं ये 8 प्रिंसिपल होते हैं। फर्स्ट वन इज, सॉफ्टवेयर आपका हमेशा पब्लिक होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए आपने सॉफ्टवेयर बनाया उसे प्राइवेटली रख लिया, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया आपने उसे अपने पास ही रख लिया, पब्लिक को दिया ही नहीं, यूज़ ही नहीं कि आपको सॉफ्टवेयर बनाने का क्या फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट, क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर, आपका क्लाइंट होता है और एक एम्प्लॉयर होता है, यानी कि जो डेवलप आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो आपका एम्प्लॉयर है और क्लाइंट आपके पास वो है मैं, जो कि बाहर से आई हूँ और उसने आके आपको कहा है कि मुझे क्या करो, एक वर्ड का सॉफ्टवेयर बना दो, एक नोटपैड का नया वर्जन क्रिएट कर लो, ठीक है, इन दोनों को आपने कंसीडर करना होता है। नेक्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट, जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट है जो बन के आ रहा है आपके पास सॉफ्टवेयर नोटपैड वाला, उसमें सारी चीज़ें फुलफ़िल होनी चाहिए, आपके पास जो एंड प्रोडक्ट आ रही है वो यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जजमेंट होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो अपनी प्रोफेशनल जजमेंट से भी कस्टमर को व्यूज़ दे सकें कि आप जो हमें सिस्टम डेवलप करने का कह रहे हैं उसमें अगर हम आपको ये फीचर्स देंगे तो आपकी नीड ज़्यादा अच्छी फुलफ़िल होगी। फिफ्थ पॉइंट क्या होना चाहिए, आपके मैनेजमेंट होनी चाहिए, आप जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो वो आपने मैनेज्ड वे में बनाया हो, किस तरह मैनेज्ड वे में बनाया हो, जो रिक्वायरमेंट गैदर की हैं सही से गैदर की हो, देन उसकी डेवलपमेंट की है तो उस पर एक्स्ट्रा पैसे ना लगाए हो, जितना बजट है उस बजट के अंदर रह के ही आपने सॉफ्टवेयर बनाया हो, जब वो सॉफ्टवेयर बन गया है तो आपने उसको यूज़र को डिप्लॉय भी उसी बजट के अंदर किया हो और उस बजट में डिप्लॉय करने के बाद आप विद पैसेज ऑफ टाइम उसको मेंटेन भी करते जा रहे हो। ओके, प्रोफेशन क्या है,
कि आप पब्लिक इंटरेस्ट में अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रोफेशन की रेपुटेशन मेंटेन करें। आप कोई भी ऐसी हरकत ना करें, इलीगल काम ना करें अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कि वो आपके प्रोफेशनलिज्म को डिस्ट्रॉय करें। कुलीग्स होने चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैल बी फेयर टू द ऑल कुलीग्स। ऐसा कभी भी नहीं होता है कभी भी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप करें तो आपके साथ वाले मशीन या सिस्टम पे जो बंदा बैठा है आप उसको गाइड नहीं करते। इन केस वो कहीं न्यू है या वो किसी जगह स्टक हो गया तो आप हमेशा उसकी हेल्प करते हैं, अपने कुलीग्स की हेल्प करते हैं, क्योंकि एट द एंड आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी पूरी डिपार्टमेंट ने एक ही जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को बना के देना होता है। पॉइंट नंबर 8 इज द सेल्फ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैल पार्टिसिपेट इन द लाइफ टाइम लर्निंग। जो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है हमारी वो ये है कि हम लोग जो डेवलपर्स हैं हम सारी जिंदगी सीखते रहते हैं। रोजाना हमारी टेक्नोलॉजीज चेंज होती हैं, रोजाना नई इंप्रूवमेंट्स आ रही होती हैं, रोजाना नई चेंजेस आ रही होती हैं और हम रोजाना नई चीज़ें जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में आपकी बेटे केस स्टडीज़ को डिफाइन की हुई है और उन केस स्टडीज़ में हमने क्या किया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ कि किस तरह इन केस स्टडीज़ में डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। सबसे पहले आपके पास एग्जांपल है मेंट केयर की। ये सिस्टम है जो मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है हमारे यूज़र्स को। क्या करता है मेंट केयर? इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज़ इंटेंडेड फॉर द यूज़ ऑफ क्लिनिक्स। इसके लिए बनाया गया है ये सिस्टम या सॉफ्टवेयर, किसके लिए बनाया गया है? मेडिकल क्लिनिक्स के लिए बनाया गया है। It makes use of the centralized database of the patient information, but has also been designed to run on a PC so that it क्या कह रहा है कि हमने एक सेंट्रलाइज जगह पे इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है जो कि मल्टीपल टेबल में आपस से लिंक है और हर डिपार्टमेंट, चाहे वो बिलिंग डिपार्टमेंट है, चाहे वो मेडिसिन डिपार्टमेंट, चाहे वो डॉक्टर है, पेशेंट है, रिसेप्शनिस्ट है, वार्ड में पेशेंट इन हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं, वो सारे उन सिस्टम के थ्रू जो है कनेक्टिविटी की गई है, जिससे आप क्या कर रहे हैं अपनी पेशेंट की सारी इन्फॉर्मेशन जो है मेंटेन करें। When the local system have the secure network access, they use the patient information in the database, but they can download and use the local copies of the patient record when they are disconnected. मेंट केयर सिस्टम में सॉफ्टवेयर सारा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, मगर अगर आपका सॉफ्टवेयर सेंट्रलाइज्ड रखा हुआ है और वो डेड हो गया, डैमेज हो गया, उसके लिए आप फिर क्या करते हो, फिजिकली जो पेशेंट के रिकॉर्ड हैं, फिजिकल फाइल्स जो मेंटेन हो रही है, उसे डाटा निकाल लेते हो। गोल इसका क्या था सिस्टम को डिवेलप करने का? टू जनरेट द मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन दैट अलाउज द हेल्थ सर्विसेज मैनेजर्स टू असेस द परफॉर्मेंस अगेंस्ट द लोकल एंड गवर्नमेंट टारगेट, टू प्रोवाइड द मेडिकल स्टाफ विद द टाइमली इन्फॉर्मेशन एंड सपोर्ट द ट्रीटमेंट ऑफ द कस्टमर। मेन गोल आपको इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेंट केयर सॉफ्टवेयर डेवलप करने का ये था कि आप मेडिकल वालों को एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम बना दें जिससे वो पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री भी ले सकें और पेशेंट का न्यू रिकॉर्ड भी एंटर कर सकें और टाइमली पेशेंट को उनकी डिजीज़ के अगेंस्ट जो है वो ट्रीटमेंट दिया जा सके। बेसिक पर्पज़ ये था आपका ये सॉफ्टवेयर डेवलप करने का। ऑर्गेनाइजेशन दी हुई है इस केस स्टडी की कि किस तरह ये मेंट केयर सिस्टम हमने डेवलप किया हुआ है। पेशेंट नंबर 1 है, पेशेंट नंबर 2 है, पेशेंट नंबर 3 है, वो नेटवर्क से लिंक है। नेटवर्क के बैकएंड पे आपके पास एक सॉफ्टवेयर बना पड़ा है, उसका नाम क्या पड़ा है? मेंट केयर सर्वर। और ये पेशेंट की डेटाबेस है। मेंट केयर सॉफ्टवेयर के अंदर आपने सारे पेशेंट की डिटेल्स रखी हुई हैं, आपके जो अभी क्लाइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका कैशियर है, ये आपका रिसेप्शनिस्ट है, ये आपका मेडिकल इंचार्ज है, इन सबको पेशेंट्स की सारी हिस्ट्री मिल सकती है। ये जो 3 हमारे यूज़र्स हैं ये सारी की सारी पेशेंट की डिटेल आप अपने सॉफ्टवेयर से ले सकते हैं। ओके, की फीचर्स क्या थे हमारे इस मेंट केयर सिस्टम के? इंडिविजुअल केयर मैनेजमेंट, पेशेंट मॉनिटरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग, तीनों को फ़ायदा दे रहा था। इंडिविजुअल्स जो हम लोग हैं और या जो क्लाइंट्स हैं या जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं जो कि क्लिनिक में काम करें, वो आप आइदर रिसेप्शनिस्ट है या वो आपका इधर मेडिसिन इंचार्ज है, आपका डॉक्टर है, वो सब मैनेज करें अपने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड को। नेक्स्ट इज़ पेशेंट मॉनिटरिंग, डॉक्टर्स जो है वो पेशेंट्स को मॉनिटर कर सक रहे हैं या हम जो है वो पेशेंट्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो इधर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग है, जो आपकी हायर अथॉरिटीज़ है, आपके डॉक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के CEOs हैं, वो क्या कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन से डाटा जो है वो गेट करें। एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग के लिए डाटा जनरेट होगा। एट दी एंड हम देख रहे हैं आज के दिन में इतने पेशेंट डिस्चार्ज हो गए, इतने पेशेंट जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐड हो गए, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेंटेन हो रही थी। की फीचर्स हैं कुछ आपके मेंट केयर सिस्टम के, और सबसे मेन जो कंसर्न थे वो प्राइवेसी एंड सेफ्टी के कंसर्न है। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, मैंने आपको बताया उसमें आपने प्राइवेसी और सेफ्टी सिक्योरिटी का फीचर मस्ट जो है वो अपने कस्टमर्स को देना है। क्यों? क्योंकि ये 2 फीचर्स हैं जिन पे आपका सिस्टम जो है वो टोटली रिलाई कर। अगर आपने प्राइवेसी प्रोवाइड नहीं की, लोग आपके सिस्टम नहीं यूज़ करेंगे, इलीगल आपका डाटा यूज़ होगा, आपको फेक और बोगस इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सिक्योर होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए आपके सिस्टम पर, ऐसा कोई सिस्टम आपको नहीं बिल्ड कर लेना चाहिए जो आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा हो।
ओके नेक्स्ट, आपको एक वेदर स्टेशन की एग्जांपल दी हुई है। ये जो वेदर स्टेशन की एग्जांपल है, ये भी आपने क्या किया, ऑनलाइन एक वेदर स्टेशन का सिस्टम बिल्ड किया है, सॉफ्टवेयर बिल्ड किया, जो आपको सॉरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है किससे रिलेटेड, वेदर से रिलेटेड। वो सारा डाटा गेट कर रहा है सेंसर्स के थ्रू, ये बताएगा कि आज के दिन में बारिश है या नहीं, आज का टेम्परेचर कितना होगा, रेनफॉल होगी, सनशाइन होगी, विंड स्पीड होगी, थंडर स्टॉर्म होगी, जो भी सारी वेदर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको वाइल्डरनेस वेदर स्टेशन प्रोवाइड करेगा। इसके जो एनवायरनमेंट है उसमें हमारे पास क्या तीन चीज़ें, एक हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें हमने सारी की सारी डेटाबेस वेदर्स की रखी हुई है, जिसमें हमने टेम्परेचर्स की डिटेल रखी हुई है, क्लाउड्स की डिटेल रखी हुई है, रेंज की डिटेल रखी हुई है, जो भी डिटेल आपकी वो सारी आपने मेंटेन की। स्टेशन मैनेजमेंट मेंटेनेंस वाला सिस्टम आपको क्या प्रोवाइड करेगा कि वो स्टेशन ये दड़ी सांगी वाले पुल का स्टेशन है, या वो स्टेशन जो है वो शाही रोड का है, वो स्टेशन जो है ये पैलेस के पास वाला कोई स्टेशन है, डिफरेंट जो स्टेशन हैं ये आपको वेदर की इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे। ओके, वेदर इन्फॉर्मेशन सिस्टम में हमारे पास क्या है, दी वेदर स्टेशन सिस्टम है, दी डाटा मैनेजमेंट सिस्टम है, और स्टेशन का मेंटेनेंस सिस्टम है कि वो एरिया लोकेशन कहाँ है जहाँ पर हमारा वेदर का डाटा स्टोर होगा। दी वेदर स्टेशन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग वेदर डाटा, कैरिंग आउट सम इनिशियल डाटा प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट टू दी डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। This system collects the data from all of the wilderness of the station, carries out the data processing analysis. This system can communicate by the satellite with all the wilderness of the system. Okay, additional software functionalities, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को मॉनिटर कर सकते हैं कितनी पावर की कंजम्पशन हो रही है, आपकी हार्डवेयर रिसोर्सेज क्या है, आपकी सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं। सिस्टम की पावर को मैनेज कर सकते हैं, कौन सी रिसोर्सेज जो डैमेज हो गई हैं, सिस्टम कब शट डाउन हो रहा है, कब आप उसको जनरेट कर रहे हैं कोई इन्फॉर्मेशन, कब विंड की स्पीड हाई है या लो है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सिस्टम से ले सकते हैं। ओके, लास्ट केस स्टडी इज़ आईलर्न, अ डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट, जिसमें आप क्या कहते हो, ऑनलाइन जो है आपके पास एक डिजिटल एनवायरनमेंट प्रोवाइड की जाती है जिससे आप सारी चीज़ें लर्न करते हैं। वो आपके पास ऑनलाइन लर्निंग लाइब्रेरी भी हो सकती है, या आप एग्जाम्पल ले लें जिस तरह आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेज होती हैं, लेक्चर्स होती हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे पास क्या है, आईलर्न है, जिसमें हम ऑनलाइन ही सारे लेक्चर्स दे रहे हैं। वर्चुअल हमने एक क्लास क्रिएट की हुई है, वर्चुअल एक एनवायरनमेंट क्रिएट की हुई है, आपको उसी भी हम होमवर्क्स दे रहे हैं, असाइनमेंट्स दे रहे हैं, सेशनल्स ले रहे हैं, ये सारी की सारी हमारे पास किसकी एग्जांपल है, आईलर्न की एग्जांपल है। सर्विस ओरिएंटेड सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो यूज़र को हर हाल में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसकी मैं आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ पहले, गूगल की, इसमें सब कुछ वो ही इंग्लिश में लिखा हुआ, ऐसा सिस्टम जो कि क्या करे, सिस्टम के कंपोनेंट को कंसीडर करते हुए यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग उनको सर्विसेज प्रोवाइड करें। ओके बेटे, दिस इज़ द लास्ट लेक्चर, लास्ट स्लाइड ऑफ योर लेक्चर। आईलर्न की सर्विसेज बताई हुई हैं, इसमें यूटिलिटी सर्विस आ जाती है हमारे पास, एप्लीकेशन सर्विसेज आ जाती हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशन सर्विसेज आ जाती हैं जिसमें आप रिकॉर्ड कॉन्फ़िगर करते हैं। इसकी आईलर्न की सिंपल एग्जांपल वही है जो हम आजकल अपने वर्चुअली क्लासेस ले रहे हैं, जो आपने लास्ट सेमेस्टर में वर्चुअली क्लासेस लिया वो सारी किससे कंसिडर्ड हैं, आईलर्न से। ओके ये बेटी की पॉइंट्स हैं कि इस लेक्चर में टोटल हमने आज कवर क्या किया है, वो की पॉइंट्स आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लें तो आपको समझ आ जाएगी कि हमने इस टोटल लेक्चर में कवर क्या किया, वीक नंबर टू में हमने क्या कंप्लीट किया। दिस इज़ ऑल अबाउट लेक्चर नंबर टू, लेक्चर नंबर वन, वीक नंबर टू, जिसमें हमने क्या कवर कर लिया, पूरा जितना भी इंट्रोडक्शन है चैप्टर वन का कंप्लीट कर लिया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, उसका इंट्रो क्या है, उसमें केस स्टडीज हमने देख ली जो सिर्फ आपका इंटरेस्ट डिवेलप करे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, थैंक यू। Love is...